एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आई एम फिदा शेख और मैं यहाँ व्लॉगिंग करती हूँ। और तब उन्होंने कहा था आ जाओ। पापा कैमरे पे आ रही हूँ, आने दो उसको। कराची का ये मौसम हो रहा है और बारिश हो रही है और इस वक्त बज रहे हैं 3 और दोपहर के 3 बज रहे हैं और देखिए कितना खूबसूरत मौसम हो रहा है और तेज़ बारिश हो रही है। आपको पता है कि हर से नचने की आवाज़ आ रही है। बैठ गई है इस पर, मैं इसी को लेके आया हूँ। बारिश रुक चुकी है, आप लोग देख रहे हैं फाइनली। और लेकिन जो इस टाइम हवा आ रही है ना, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। और आप लोग मुझे ये भी बताइएगा कि मैं लाइव आई थी, आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग देखिए, जब मैं लाइव आती हूँ आप लोग कमेंट भी क्या करें, जिससे मुझे सपोर्ट मिलेगी और क्या होगा, और ये होगा कि मैं आपके फ़ौरन से कमेंट का उसी वक्त आंसर करूँगी। वरना बाद में अक्सर ये होता है कि आप लोग जब मेरे किसी ब्लॉग पे कमेंट करते हैं उसको मैं देर से रीड करती हूँ। तो जब मैं लाइव होंगी तो आपका मैं उसी टाइम आपका रिप्लाई कर दूँगी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग मुझे कमेंट करते हैं लाइव में, मुझे बहुत मज़ा आया था। और आप लोग बताइएगा आपको मेरी लाइव वीडियोज़ कैसी लगती हैं। और अभी ठीक से बारिश हुई नहीं है, आप लोग देख रहे हैं पीछे, अभी ठीक से बारिश हुई नहीं है, लेकिन वेदर बहुत अच्छा हो रहा है। वहाँ से आ रही है कालीघाटा, मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरफ है कालीघाटा। आई डोंट नो ये आ रही है कि जा रही है, आयान कह रहे हैं कि जा रही है। और ना लोगों को अभी तसल्ली नहीं हुई है बारिश की, क्योंकि बहुत कम बारिश हुई है। दिल से आ रहा है कि बहुत तेज़ बारिश हो जाए। और उसके अलावा दरख्त आप लोग देख रहे हैं कितने हरे भरे दरख्त हो रहे हैं, बहुत अच्छे खूबसूरत से दरख्त हो चुके हैं, धुल चुके हैं दरख्त। ये देखिए हमारी ना लाइट इस वक्त जा चुकी है और ये लोग यहाँ
मसरूफ़ हैं। मनाहिर, अगर आपको गर्मी लग रही है तो प्लीज़ आप अपनी पोनी बना सकती हैं, क्योंकि ये टू लिटिल पिलोज उठा के रखो वहाँ पे। यहाँ नहीं रखने बेटा। और आप क्या करो? असल में ना बच्चे जो है वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बच्चे कह रहे हैं बाहर चलें, लेकिन बाहर थोड़ा सा डेंजर लग रहा है मुझे। और बाहर डेंजर हो रहा है बहुत ज़्यादा, और इस वक्त हम लोग बाहर नहीं जा सकते, वरना दोनों बच्चे कह रहे हैं कि बाहर चलें। मेरा भी बहुत मूड हो रहा है बाहर जाने का। अभी इतनी कोई तेज़ बारिश नहीं हुई है, बहुत अच्छा सा मौसम हो रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम बाहर नहीं जा सकते फिर भी। ये नहीं करो अंधेरे में भाई। मनाइला, आप ये क्या लेके जा रही हो? स्लीपर साइड में करो, आयान खड़े हो स्लीपर साइड में करके आइए। उठो, ये देखो जरा कितने आप लोग, जो आया है उतार के वही उसी ने किए ना। अभी रात के 10 बज रहे हैं और मैं आज ना स्टिचिंग करने वाली हूँ। मेरे ब्लॉग जो है वो मैं एडिट नहीं कर पा रही उसकी लाइट की वजह से, क्योंकि सिस्टम लगाते हैं बंद करते हैं। तो मुझे अभी स्टिचिंग भी करनी है आगे। मैं छोटी ईद पे अपने ड्रेसेस लेके आई थी, अनस्टिच क्लॉथ्स लेके आई थी, लेकिन हुआ यह है कि तकरीबन 1.5 महीना हो गया है, 1.5 मंथ हो गया है मुझे वो अपने क्लॉथ्स लाए हुए, लेकिन अभी तक मैंने उसको स्टिच नहीं किया। तो मैं अब ना आज सोच रही थी कि मैं आज ब्लॉग नहीं डालती हूँ, बल्कि मैं स्टिचिंग कर लेती हूँ, उसका ब्लॉग डालती हूँ। हालांकि ये स्टिचिंग चैनल नहीं है, सिलाई का चैनल नहीं है, मगर बस मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ थोड़ी थोड़ी शेयर करती हूँ कि मैं किस तरीके से स्टिचिंग करती हूँ। तो बस मैं अभी स्टिचिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने एक पिंक कलर का, मनाहिर को पिंक बहुत कलर पसंद है, तो मुझे पिंक जो है वो मुझे मार्केट से मिला नहीं था जब मैं लेने के लिए गई थी, और मैं अरेंज और दोबारा कर भी नहीं सकी, इसलिए मेरे पास जो जो कट पीस जैसे होते हैं ना छोटे से, किसी के ड्रेस में से बच गया, तो वो वाले पीसेज मेरे ड्रेसेस में से बचे हुए थे। तो मैंने उसमें से एक मनाहिल का पिंक वाला सिया था, वो उसका भी मैंने ब्लॉग एडिट कर लिया है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने कैसे किया था उसको, स्टिच कैसे किया है। और अभी एक और जो मनाहिल का मैंने ये वाला है, इसको भी मैं अब स्टिच करूँगी, कटिंग करूँगी इसकी ना, और उसके बाद मैंने इसको स्टिच करना है। तो मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करने लगी हूँ कि मैं किस तरह से स्टिच करती हूँ। मुझे कोई, मैं इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, और मुझे मेरी शादी से पहले बिल्कुल भी स्टिचिंग नहीं आती थी, लेकिन उसके बाद मैंने उसको सीखा है स्टिचिंग को, और बस मुनासिब सी मैं कर लेती हूँ अपने, कि मैं अपने सीलूँ और मनाहिल के सीलूँ, इस तरीके से मुझे स्टिचिंग आती है। और बस, तो बस मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और मेरी आप लोगों से बातें भी हो जाएंगी, और जो न्यू विज़िटर्स हैं उनसे मैं कहूंगी मेरे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करते जाइएगा, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करते जाइएगा, ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिले। और मैं अब चलती हूँ स्टिचिंग की तरफ, क्योंकि बातें करने लग गई ना तो मैं बहुत बातें करती हूँ,
नॉनस्टॉप बातें कर लेती हूँ मैं, और नॉनस्टॉप बातें करने से क्या होता है, बातें करने से टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब मैं स्टिचिंग और कटिंग स्टार्ट कर रही हूँ। और ये देखिए, ये पिंक वाला भी मैं पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ कि पिंक वाला मैंने जो कपड़ा है ना, वो ये कपड़ा है। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सा ये ना पिंक कलर है। और ये मैं इसका स्टिच करने लगी हूँ, मैंने इसको कटिंग कर चुकी हूँ मैं, और थोड़ा सा इसकी राउंड सी शेप मैंने बनाई है। आप लोगों को नज़र आ रहा है, आई थिंक नज़र आ रहा होगा, कुछ इस हिसाब से है ये देखिए। तो इसको मैंने, ये इसकी स्लीव्स वगैरह हैं बेटा, इसको क्यों ले रही हैं आप, ये स्लीव्स हैं। और मैं आप लोगों को इसको प्रेस करके दिखाऊंगी। थोड़ा सा ये ना इसमें थोड़ा सा सिल्की भी सिल्क कपड़ा जो है ना, सिल्क धागा भी है इसमें, बिल्कुल प्योर कॉटन नहीं है ये, प्योर लॉन नहीं है ये। तो ये बहुत मुझे अच्छा सा लग रहा था, तो मैंने इसका भी सोचा मनाहिल को बना देती हूँ, थोड़ी सी इसमें भी डिज़ाइनिंग कर दूँगी, और फिर उसके बाद उसको भी मैंने आज ही स्टिच करना है। आप लोग दुआ कीजिएगा, ठीक है, वो भी सियेंगे। आपको पिंक भी चाहिए होता है ना, तो इसलिए मैंने पिंक सिया, मनाहिल ने वो वाला निकलवाया था ऑरेंज वाला, कि उसको ऑरेंज वाला चाहिए। एनीवेज तो ये है, इसको मैं स्टिच फर्स्ट ऑफ ऑल करूँगी, और फिर उसके बाद ऑरेंज की बारी आएगी। तो आप लोग साथ साथ दुआ भी करें कि हमारी लाइट जाना बंद हो जाए, या फिर हमारा जो यूपी से वो ऑरेंज हो जाए। वो लाइट तकरीबन हमारी आज सुबह से 3 बार जा चुकी है, तकरीबन 1-1 घंटे की मेरे ख्याल से गई है, इतना कोई टाइम नोटिस नहीं किया है, 1 घंटे के करीब तकरीबन गई है, 1 घंटे से ज़्यादा, 1.5 घंटे के लिए भी चली जाती है कभी। तो लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा जा रही है, तो आप लोग दुआ कीजिए कि हमारी लाइट ना जाए, और हमारी कंट्री के जो हालात हैं वो भी ठीक हो जाएं। आप लोगों ने न्यूज़ देखी होगी कि 2 साल तक जो है वो इसी तरह से हमें लाइट को झेलना पड़ेगा। एनीवेज तो अल्लाह ताला हमें फिर सब्र दे, ये चीज़ें 2 साल तक हम इसको हमने इसको बर्दाश्त करना है, इसके लिए सब्र करना है। कि फ्रंट साइड कौन सी है एंड बैक साइड कौन सी है, तो इसको मैंने फ्रंट एंड बैक आई थिंक अलग से मैंने इसको कटिंग नहीं किया है, जस्ट इसको मैंने शोल्डर में थोड़ी सी अंदर से कटिंग करते हैं। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ऐसे ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि इसको मैंने कटिंग करते हुए जस्ट बैक एंड फ्रंट का जो शोल्डर कटिंग है वो मैंने इक्वल की है, और जो फ्रंट की कटिंग होती है वो थोड़ी सी डीप होती है, तकरीबन 1/2 इंच के करीब, तो वो मैं भी करने लगी हूँ उसकी कटिंग। जी तो देखिए, अभी मैंने सिर्फ सेटिंग की है, मशीन रखी है धागन, साथ हुआ कि फिर से लाइट चली गई है। तो ये देखिए, ये है मेरी लाइट, और मैं इसको कटिंग करना था जो बैक साइड है, मैं जब तक कटिंग, वो जो मैंने नेक्स्ट इसका सीना है, स्टिच करना है, लाइट तकरीबन 1 घंटे में आती है अगर थोड़ा हम पे उनको रहम आ जाए तो, अदरवाइज जो है हम जब तक ये स्टिचिंग का काम करने से पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये कटिंग जो है वो मैंने इसको, मैं ये कंफर्म कर रही हूँ कि मैंने बैक एंड फ्रंट जो है वो इक्वल किया था, या अब देखिए मुझे जो है ना वो चाहिए थी इस्त्री भी करनी थी, इनको आयरन करना था, लेकिन अभी लाइट के जाने की वजह से आयरन भी नहीं हो सकेगा। तो ये जो है ना, ये बिल्कुल भी मैंने कटिंग इसको नहीं किया था, मैं इसको कटिंग करने वाली हूँ, इसको बना रही हूँ मैं फ्रंट। तो ये मैंने एक साइड इसकी ले ली है, और मैं पीछे रही है, आपकी कपड़े हैं ये आपके, आप इसको ख़राब नहीं कर देना। मैं खड़ी इसको बिल्कुल सीधा करने लगी हूँ, वो वाली को ले लीजिए, सीधा कर लीजिए। तो ये देखें, मैं ना इसकी जब तक कटिंग कर लेती हूँ ड्रेस को, और मैं बहुत पसीने वाली इस वक्त होने लगी हूँ, और मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, मना ही पीछे रही है।
और इससे बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हाथ रख के इसको हिलाना नहीं है, सुकून में रहना है आपको, सुकून में रहना है, बंद करके कर लो इसको, तो मुड़ा हुआ नहीं यहाँ से उधर से बंद करके कर लो इसको। ये जो है ना इसको हाफ इंच मैंने अंदर कटिंग करना था जो मैं भूल गई, और मेरी इसलिए नहीं इसलिए भूल गई थी क्योंकि पहले मैं इसको इस तरह से लगा लूँ ताकि मुझे पता लग जाए ना कि वहाँ से कटना करना। तो ये जो है ये मेरी हो चुकी है, इसकी निशान मैंने लगा ली है, अब मैं इसकी कटिंग करूँगी और ताकि ये मेरी हो जाए स्टिच करने के लिए, इसकी नेक लाइन बनानी है फिर हमने। कटिंग कर लिया है, मसला ये है कि लाइट जा चुकी है। तो ये उसके बगैर कटिंग किया हुआ है, थोड़ा सा शलवार टाइप आप समझ लें इसको कटिंग किया हुआ है, तो ये है शलवार टाइप। तो मैं अभी इसी टाइप का कुछ बना लेती हूँ, इसकी देखती हूँ कितनी है इसकी लेंथ वगैरह सारा स्टिच करने के लिए, लेंथ कितनी लेंथ आ रही है इसकी, और ये बनाएंगे तो थोड़ा सा लॉन्ग है इसलिए इतना मुझे रखना पड़ेगा, तो लॉन्ग ही सही है। This is 29, तो आई थिंक इसकी जो नीचे से चढ़ाई है वो भी कटिंग होगी और ऊपर से जो चढ़ाई है वो भी कटिंग होगी, तो 29 के साथ आई थिंक ऊपर से रखनी पड़ेगी इसको तकरीबन 1.5 इंच। ये जो वाइट मोती है ना वो इसके साथ मैच होगी और ये जो ऑरेंज कलर है ना वो भी इसके साथ मैच होगा। ओके, तो 30 हमारी जो है मैंने इसकी रखनी है लेंथ, और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने इसकी रखनी है क्या आ रहा है इसका से ही कपड़े को हमें कटिंग करना है। तो ये जो है ये पूरा पूरा आई थिंक इसको हम यूं करके मोड़ेंगे ना तो ये पूरा इसका लूज सा अच्छा सा ट्राउजर बन जाएगा ऐसे, ठीक है। तो हम इसको ले लेते हैं, इसकी नीचे कितनी ही चौड़ाई इसकी हम ले लेंगे नीचे तक पूरा पूरा, ठीक है। ये कर दिया हमने इसका, और अब इसका देख लेते हैं हिप साइज, ओके हिप साइज से इसका कितना आ रहा है। हिप साइज में देखना बगैर हिप के रखना। तो ये है 8 इंच तकरीबन 8 इंच है ये
दोनों में ना डिफरेंस
क्या है कि इसकी कम कटिंग हुई हुई है, इसकी ज़्यादा हुई हुई है। तो ये जो है ना, ये हमारा फ्रंट है और इसकी नेक लाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले इसकी नेक लाइन बना लेते हैं। मुझे असल में ये वाली जो शर्ट मैंने सी थी, इसका जो नेक लाइन है इसकी बहुत बिल्कुल परफेक्ट आई है। तो मैंने सोचा मैं इसको देख लेती हूँ, फ्रंट की जो नेक लाइन है वो मैंने देखनी है। मुझे ये चीज़ इसकी ज़्यादा लग रही है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हमने इसको करना तो है। तो ये इसका मैंने बना दिया है नेक। इसको अब हमने क्या करना है, इसको अब हमने उसी साइज का काटना है ताकि इसकी नेकलाइन में सी सकूं। बहुत इजीली वो सिल जाती है। Thank you.